हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बी हाइप का ये पहला लेसन है, द फन दे हैड, वो मौज मस्ती जो वो किया करते थे। तो एक स्टोरी है, साइंस फिक्शन है, और इसका ये टाइटल किस प्रकार से इस स्टोरी पर फिट बैठता है वो हम इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। एंड दिस साइंस फिक्शन वॉज रिटन बाय आइज़ैक एसिमोव, जो कि अमेरिकन राइटर थे एंड ही वॉज नॉन फॉर हिज वर्क्स ऑन साइंस फिक्शन। और इस स्टोरी में जो साइंस फिक्शन है वो ये है कि आज जिस प्रकार से हम क्लासरूम अटेंड करते हैं, फिजिकल क्लास में हम बैठते हैं, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसी होगी, क्या एजुकेशनल सिस्टम के इक्विपमेंट्स होंगे, तो एक वर्चुअल एक रियल क्लास में डिफरेंस क्या हो सकता है, तो एक इमेजिनेशन है राइटर की जो इस स्टोरी में हमें नज़र आएगी। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर स्कूल कैसा हो सकता है। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जो स्टोरी हम पढ़ने चल रहे हैं वो फ्यूचर की बात करती है, मीन्स आने वाले समय में ये स्टोरी हमको लेके जाती है। वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तो आने वाले समय में जो किताबें हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से फिजिकल बुक्स को हम स्टडी करते हैं, जिन स्कूल्स में आज हम जाते हैं पढ़ने के लिए, वो शायद फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की ना बुक्स होंगी ना इस प्रकार के स्कूल्स होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, तो स्टोरी शुरू करने के पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए, कंप्यूटर के जरिए लर्निंग हो रही है। ये जो टीचर है एक मशीन है, अपने आप में रोबोट है, एक रियल ह्यूमन बींग नहीं है। ये वर्चुअल क्लासरूम है, मतलब अकेले बैठी है लड़की और किसी इंटरनेट से कनेक्टेड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, और मूविंग ई टेक्स्ट, और किस प्रकार से सॉफ्टवेयर के जरिए ही और स्क्रीन पर ही किताबों को पढ़ा जा रहा है, जिसमें हम लेटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं, उन्हें मूव कर सकते हैं। इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, तो ये आपके लिए डिबेट के लिए है। आप डिबेट कर सकते हैं क्लास में टीम बनाकर कि क्या चीज़ें हैं जो आप अपने स्कूल में पसंद करते हैं, कम से कम तीन वो चीज़ें, और कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि हम स्कूल में कुछ चेंज करें और बेटर करने के लिए, ना कि और ख़राब करने के लिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, तो निश्चित है आप कंप्यूटर लैब में गए होंगे तो आपने ज़रूर स्टडी की होंगी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप किसी ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, जब सारी बुक्स कंप्यूटर में ही सेव होंगी, मीन्स की सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई बुक के रूप में सेव होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी, जैसे आप अपने स्कूल के बैग में किताबें लेके जाते हैं निकालते हैं, दरअसल वो फिजिकल बुक्स हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या आप अपनी फिजिकल बुक्स से, जिन्हें हम रियल बुक्स कह सकते हैं, उनसे बेटर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आने वाली जो ई बुक्स होती हैं वो अच्छी लगेंगी। तो यह एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है कि डू यू लाइक ई बुक्स और द बुक्स दैट यू रीड इन द स्कूल, कीपिंग देम ऑन डेस्क्स, यू कैन टच देम बट यू कैन नॉट टच द बुक्स ऑन कंप्यूटर। नाउ वी गेट इनटू द स्टोरी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी, मार्जी ने उस दिन इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा, तो किसके बारे में उसे हम देखते हैं, ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2157 साल के बाद की बात है ये। और आप इमेजिन भी कर सकते हैं, जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, कि जिस प्रकार से आज हम टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ आज के 20 साल पहले कैसी थी, 15 साल पहले कितनी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थी, क्या इस तरह के कंप्यूटर थे, क्या ई बुक्स हुआ करती थी, उसी प्रकार से आज के 20 साल बाद 30 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जाएगी, तो डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन। तो एक इमेजिनेशन है यहाँ की 2157 में मार्जी नाम की लड़की ने रात को अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। देखिए यहाँ पर ई बुक्स होंगी, जैसा कि अभी हम लेसन में देखेंगे आगे, तो उसके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि टॉमी को उस दिन एक ऐसी पुस्तक मिली जिसे रियल बुक कहा गया है, और उसे अपनी डायरी में मेंशन किया उसने। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, तो मार्जी के ग्रैंडफादर यानी मार्जी के पिताजी के पिताजी, और वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी के पिताजी, जो कि मार्जी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, माई गॉड, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पर ये वाले ग्रैंडफादर की बात की जा रही है,
कि जब वो एक बच्चे थे, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, तो उन्होंने बताया कि उस समय ऐसा समय था व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी, जैसा कि आज हम किताबें पढ़ते हैं। लेकिन आज हमारे पास ई बुक का भी ऑप्शन है, जो आप स्क्रीन पर, कंप्यूटर की, मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ते हैं। द टर्न द पेजेस, वे पेजेस को टर्न करते थे, ये सब उसने अपनी डायरी में लिखा है मार्जी ने। विच वर येलो, जो कि येलो कलर के थे, अब पुराने पन्ने होने की वजह से थोड़ा येलो हो गए, और जबकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसी कोई पुरानी होने वाली बात होती नहीं है। एंड क्रिंकली, तो वैसे मुड़े तुड़े, थोड़ा सा फोल्ड किए हुए, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, तो पन्ने मुड़ गए तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है, तो उसी के लिए है, जबकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसी कोई बात नहीं होती। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड, अब यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है उस पुस्तक का। वैसे ऑ मतलब डर होता है, और ऑफुली फनी मतलब बहुत ही हंसने वाली बात थी। सो रिडिकुलस टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो एक ही जगह खड़े हों। स्टूड स्टिल का मतलब ये है कि जो किताबें आप ओपन करते हैं तो जो वर्ड्स जैसे रहते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज अपने आप नहीं होता कि आप कुछ देर तक देखते रहेंगे तो वर्ड्स यहाँ से वहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए उन्हें बड़ा हंसी आ रही थी इस बात पर, क्योंकि वो तो 2157 वाले ईयर में है ना, तो आप एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड्स को मॉडिफाई किया जा सकता था, बुक में तो आप मॉडिफाई कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो प्रिंटेड लेटर का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, तो सपोज टू का मतलब होता है कि जैसा कि होना चाहिए था, उम्मीद थी, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग यानी कि इन्हें मूव करना चाहिए, तो मूव करने की बजाय उस ओल्ड बुक में, पुस्तक में शब्द तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे, जबकि उन्हें मूविंग होना चाहिए था जैसा कि उन्हें आदत थी। ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आप जूम कर सकते हैं तो वर्ड्स बड़े दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे, इस तरह से, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, तो जब दोबारा पलट कर पन्नों को वो देखते थे, पेजेस को, तो उन्हें क्या नज़र आता था, वही वर्ड्स नज़र आते थे, कोई चेंजेस ही नहीं था उसके अंदर। इट हैड, देखिए कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए, तो ऐसा ही होता है ना, आप किताब बार बार खोलते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपने जिस पेज पर जिन वर्ड्स को पढ़ा था वो वर्ड्स यहाँ से हट जाएंगे? अरे नहीं। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया ई बुक और फिजिकल बुक का। जी सेठोमी, दरअसल ये स्लैंग है जब हम किसी को बुलाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। जी सेठोमी, व्हाट अ वेस्ट, ये तो समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, देखिए थ्रू विद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हैविंग फिनिश्ड और कम्प्लीटेड, कि जिस बुक की बात हम कर रहे हैं अगर वो बुक आपने कम्प्लीट कर ली, पढ़ ली पूरी तरह से, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, तो मुझे लगता है कि हम उस बुक को फेंक देते हैं। लेकिन जबकि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो लाखों किताबें हमारी ई बुक के रूप में कंप्यूटर स्क्रीन पे सेव हो सकती हैं, हम देख सकते हैं उनको। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी ज़्यादा किताबें अगर सेव हों तो, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि बुक का अच्छा खासा स्टोरेज होना चाहिए कंप्यूटर में। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो भी मैं उन्हें फेंकूंगा नहीं। तो फिजिकल बुक को लोग पढ़ने के बाद इधर उधर रख देते हैं, नई किताबें उठा लेते हैं, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पर हम किताबों को पढ़ते हैं तो वो वहीं पे सेव रहती हैं, हम उन्हें जब चाहे जब वहाँ पे स्क्रीन पर लाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। सेम विद माइन, अरे मेरे साथ भी यही है, सेड मार्जी। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, तो यहाँ पर ई बुक की जगह टेलीबुक यूज़ किया गया है वर्ड, अर्थात कंप्यूटर या टेलीविजन की स्क्रीन पर जो बुक्स आप पढ़ते हैं। एस टॉमी हैड, तो उसकी उम्र 11 है, एंड टॉमी वॉज 13, और टॉमी 13 ईयर्स का था। तो मार्जी ने कहा कि हाँ मेरी स्क्रीन पर भी बहुत सी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन टॉमी चूंकि उसकी उम्र में बड़ा था तो निश्चित है उसके पास ज़्यादा किताबें होंगी स्टोर में। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, अच्छा तुम्हें मिली कहाँ से किताब? इन माई हाउस, घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, तो उसने उस बात को सुना और सिर्फ इशारा करते हुए बताया कि मुझे घर में मिली क्योंकि उस वक्त तो पढ़ रहा था, तो बिना देखे हुए। इन द एटिक, देखिए इसे अटारी कहते हैं हिंदी भाषा में, जो कि छत और जो आपके रूम की सीलिंग होती है उसके बीच में होती है, तो उसमें हम स्टोर रूम की तरह सामान वहाँ पे रख सकते हैं। व्हाट इज इट अबाउट, अच्छा किताब में लिखा क्या है? स्कूल, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, देखिए जब घृणा की निगाह से आप देखते हैं, थोड़ा हैट्रेड, चिढ़ जिससे आपको पैदा हो जाती है, तो वहाँ पे हम स्कॉर्नफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। स्कूल, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो थोड़ा सा मुँह बनाते हुए, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में उसमें लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, स्कूल से मुझे नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल,
मार्जी को स्कूल अच्छा लगता ही नहीं था। अच्छा, आप लोगों को स्कूल अच्छा लगता है? 2 दिन की छुट्टी हो जाती थी, ये होता यार स्कूल कब खुले, जाएं अपने फ्रेंड से मिलें। लेकिन यहाँ तो उसे स्कूल ही पसंद नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्कूल उसे क्यों अच्छा नहीं लगता होगा, चलिए स्टोरी में देखते हैं। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे स्कूल से और ज़्यादा घृणा हो गई है। द मैकेनिकल टीचर, अच्छा मशीन वाला टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो जो उनका मशीन वाला टीचर था, उन्हें टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्ड्स, और वो अच्छा सा कर भी नहीं पा रही थी, मतलब नंबर स्कोर नहीं कर पा रही थी। तो वर्ड्स एंड वर्ड्स, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, उसी प्रकार से वर्ड्स कंपेरेटिव डिग्री है बैड की, बैड वर्ड्स, और उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो वर्स्ट। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर कोई ऐसा होगा जो मशीन को बनाता होगा, रोबोटिक टीचर को। तो उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, बड़े दुखी मन से उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों को चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें खूब। तो जब रोबोटिक टीचर रहेगा नहीं, तो निश्चित है कि उतनी देर के लिए पढ़ाई हो नहीं पाएगी। तो मदर यहाँ पे थोड़ा सा दुखी दिखाई दी गई। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। अच्छा, ये काउंटी इंस्पेक्टर तो गोल मटोल आदमी था, विद अ रेड फेस, चेहरा उसका लाल था, मतलब गोर चिट्टा। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और एक बक्सा लिया हुआ था उसने, जिसमें टूल्स थे विद डायल्स एंड वायर्स, तार थे उसमें, कुछ डायल्स थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी को देखकर वो मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और एक एप्पल खाने के लिए दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, मतलब उसके जो कल पुर्जे थे उन्हें अलग अलग कर दिया, मशीनरी पार्ट्स यहाँ वहाँ बिखरा दिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट। अच्छा, मार्जी देख रही थी तो उसने सोचा कि इतने ज़्यादा टुकड़े इसके यहाँ वहाँ कर दिए हैं, पता नहीं बना भी पाएगा ये काउंटी इंस्पेक्टर के नहीं बना पाएगा। तो बड़ी खुश थी, उसे बड़ी आशा थी कि हो सकता है इसे ठीक से, वो कुड नॉट पुट इट टुगेदर अगेन, दोबारा से वो मशीन को बना ही ना पाए ठीक से। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे तो पता था कि सारी चीज़ें कैसे सेट करनी है। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन। देयर इट वॉज अगेन मीन्स वो जो रोबोटिक टीचर था वो पुनः तैयार हो गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा रोबोटिक टीचर, काले रंग का, जो कि मशीनरी पार्ट्स थे ना, तो उस पर पेंट भले किया गया होगा लेकिन वो ब्लैक बताया गया, अगली, देखने में अच्छा भी नहीं लगता था। तो रोबोटिक टीचर क्या अच्छा लगेगा, विद अ बिग स्क्रीन, उसमें एक बिग स्क्रीन लगी हुई थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उसी स्क्रीन पर सारे लेसन्स दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। एंड दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन इसमें कोई खास बुराई थी नहीं। द पार्ट मैजी हेट इट, लेकिन मार्जी को जिस पर सबसे ज़्यादा घृणा होती थी, जिसे सबसे ज़्यादा वो नापसंद करती थी, मोस्ट वर द स्लॉट, मतलब जगह जहाँ पर चीज़ों को डाला जा सके, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो जिस प्रकार से आप कंप्यूटर पर या मोबाइल में स्लॉट्स होते हैं, मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट होता है, सिम कार्ड के लिए स्लॉट होता है, उसी प्रकार से स्लॉट अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। तो उस स्लॉट में जहाँ पे उसे होमवर्क को डालना पड़ता था, टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था, तो वो उसे पसंद नहीं था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, क्योंकि उसे पंच कोड पर लिखना पड़ता। देखिए, ये कोडिंग लैंग्वेज है, आज तो यूज़ नहीं होती, बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन एक समय ऐसा था कि जो कोड्स होते थे वो पंच किए जाते थे। तो जिस प्रकार से पेपर है, कोई कार्ड हुआ, उस कार्ड में अगर 1, 2, 3 लिखना है, तो 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो इसके नीचे आपको ऐसे पंच करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3 पढ़ा जाएगा, तो कंप्यूटर इसको पढ़ लेता है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जब 6 साल की थी तो उसे ये चीज़ें सिखाई गई थी, ठीक उसी प्रकार से जैसे अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं छोटे बच्चों को, उसके बाद उसे यूज़ करते हैं लिखने में। लेकिन यहाँ पर कोडिंग सिखाई गई है बच्ची को। अच्छा, ये यहाँ पे जो राइटर हैं, आइज़क एसिमोव, ये 1920 से 1992 तक रहे, तो तब तक की जो टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। तो उस वक्त पंच कोडिंग होती थी। तो मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और वो जो टीचर था वो बिना कोई समय गंवाए मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था, क्योंकि पूरी मशीन तो थी ही वो। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। अच्छा, इंस्पेक्टर ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो वो मुस्कुराया, क्योंकि काम समाप्त होने के बाद खुशी होती है। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर पर प्यार से हाथ थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। दरअसल ये जो रोबोटिक टीचर में खराबी आ गई, इस पर लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसिस जोन्स, तो उनकी माँ को बोल रहा है मिसिस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया गया है गियर्ड, तो गियर्ड अ लिटिल टू किक, तो एडजस्टेड टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल। तो जिस क्लास में पढ़ती थी तो उस क्लास के हिसाब से
थोड़ी सेटिंग में गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी थी? कि गियर्ड लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव सॉर्ट इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो वो 11 साल की थी, तो अब उसे 10 लेवल पे कर दिया गया, जो कि अच्छा सा वर्क नहीं कर पा रही थी। तो एक क्लास बैक हम मान सकते हैं जाने पर उसे चीज़ें थोड़ी आसान मिलेंगी, तो उसका और रोबोटिक टीचर का आपस में एक अच्छा खासा ट्यूनअप हो जाएगा। तो आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड, तो ज्योग्राफी को थोड़ा सा लो लेवल का कर दिया गया जिससे अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ आदमी तो बड़े अच्छे ढंग से पेश आ रहा है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वास्तव में देखा जाए तो बच्ची जैसा वर्क कर रही है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा प्यार से उसके सिर को थपथपाया। तो देखिए यहाँ पे तो उत्साह वर्धन कर रहा है, इनकरेज कर रहा है लड़की को। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जब हम काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी एज का है, हमारे समय का है। तो यहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है कि जो ह्यूमन और ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो सब तो अभी भी हमारे जैसी हैं, जबकि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं उसकी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ी निराश हुई क्योंकि वो ठीक हो गया ना रोबोटिक टीचर। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो तो सोच रही थी कि उसे एकदम से ही ले जाएंगे, पूरी तरह से हटा देंगे यहाँ से। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी के टीचर को भी तो ले गए थे उठा के, अवे फॉर अ नियरली मंथ, एक महीने तक वो घर पर नहीं आया वो टीचर। तो उसको मेंटेन करने में, उसके मेंटेनेंस में टाइम लग गया होगा, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि वो जो हिस्ट्री सेक्टर था उस टीचर का टॉमी के, वो ब्लैंक्ड आउट कर गया था, मीन्स उसमें कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो वो बहुत खुश थी कि जिस प्रकार से एक महीने का समय उसे मिल गया था, एक महीने का समय मुझे भी मिल जाएगा। तो बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, तभी तो जिद करते हैं किसी ना किसी दिन स्कूल नहीं जाने की, कोई बहाना करके, पेट दर्द का, सिर दर्द का। सो शी सेड टू टॉमी, तो टॉमी से उसने कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो देखिए अब हम फ्लैशबैक में चले गए थे ना, जब वो उससे पूछती है कि बुक किसके बारे में, तो कहता है स्कूल के बारे में। तो स्कूल से उसे नफरत थी, तो यहाँ तक ये बताया गया कि क्यों उसे नफरत थी। एनीवे हम फिर रिटर्न करते हैं उस बुक की तरफ। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर तो हमेशा श्रेष्ठ को कहा जाता है, जो हमसे अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, हमसे अपर क्लास का हो, आइज मतलब आँखें। तो जब टॉमी ने जवाब देने के लिए उसकी तरफ देखा तो सुपीरियर आइज की नज़र से देखा, मतलब वो उम्र में बड़ा था, उसे ज़्यादा जानकार था। तो उसे समझाते हुए, बताते हुए, Because it is not our kind of school, और थोड़ा सा चिढ़ते हुए भी कि ये हमारे स्कूल के समय की बात करने वाली पुस्तक नहीं है, स्टूपिड, इस प्रकार से। और ऐसा तभी होता है जब कोई हमसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति वही हमें स्टूपिड कह सकता है कि तुम क्या जानो, बात ये है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, अरे इसमें एक पुराने टाइप के स्कूल की बात हो रही है जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले था। He had it loftily. लॉफ्टली मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि अपने को ज़्यादा सुपीरियर शो करते हुए, कि इफ़ यू आर बेटर देन अदर पीपल, जैसे कि आप और लोगों से ज़्यादा बेटर हो, देन लॉफ्टली, वैसे लॉफ्ट मीन्स उछालना भी होता है, लेकिन यहाँ पे लॉफ्टली मतलब होता है थोड़ा सा अपने पे घमंड दिखाते हुए, गर्व के साथ। तो उसने और उसमें जोड़ा कि सैकड़ों सैकड़ों साल, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली और ध्यान से, और जोर देते हुए सेंचुरीज अगो। तो एक प्रकार से उसने कहा, अरे ये उस स्कूल की बात नहीं है, पुराने टाइप के स्कूल की बात है स्टूपिड, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, सेंचुरीज अगो, इस तरह से उसने थोड़ा सा बोला। मार्जी वाज हर्ट, अब इस तरह की टोन सुन के मार्जी को तो बड़ा तकलीफ हुई। वेल खैर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो थोड़ा सा चिड़ सी गई मेरे ख्याल से, कहा कि मुझे नहीं मालूम उस समय का स्कूल कैसा रहा होगा। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड, तो वो जो पढ़ रहा था तो उसके पास जाके उसके कंधे के ऊपर से थोड़ा सा पीछे से वो उसे थोड़ा बहुत पढ़ती उस बुक में जो लिखा गया था। और उसके बाद देन सेट एनी वे दे हैड ए टीचर, खैर उनके पास कोई टीचर भी था। तो ये है जैसे यहाँ पर बैठी हुई है और ये बगल में यहाँ पर दूर से उसकी किताब को देखती है, तो उसे नज़र आता है दे हैड ए टीचर, इट वॉज अ मैन, वो एक टीचर था और एक आदमी था। तो इसे वो पढ़ लेती है एनी वे दे हैड टीचर, लेकिन यहाँ पे ये अचंभित है इसको देखे कि टीचर भी था वहाँ पे। श्योर दे हैड टीचर, हाँ बिल्कुल वहाँ भी टीचर थे उस समय भी, बट इट वॉजेंट रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। अब देखिए रेगुलर टीचर वहाँ के हिसाब से वो रोबोटिक टीचर हो गया, और हमारे हिसाब से रेगुलर टीचर जो हमें क्लास में मिलता है पढ़ाने के लिए, इट वॉज अ मैन, वो तो एक आदमी था, ह्यूमन बींग था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर, अरे एक आदमी, एक मैन, ह्यूमन बींग कैसे टीचर हो सकता है। दरअसल जिस माहौल में हम बचपन से पले बड़े होते हैं उसकी हमें आदत हो जाती है, तो उसे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक ह्यूमन बींग कैसे टीचर हो सकता है, और हमें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा एक रोबोट कैसे टीचर हो सकता है। वेल खैर,
ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, अरे वो बस लड़कों को लड़कियों को समझाते थे, बताते थे चीज़ों को, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन पूछते थे। दरअसल वो किताब को पढ़ रहा है ना तो उसे जानकारी हो रही है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मीन्स उसको इतनी जानकारियाँ कैसे हो सकती हैं। श्योर ही इज़, हाँ बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, टॉमी थोड़ा सा लॉजिकल माइंड रखता है, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी नहीं जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, जो रोबोटिक टीचर है ना उसके बारे में बात हो रही है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, तो ही यहाँ पर अपने फादर के लिए है कि नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना ही जानते हैं जितना कि वो रोबोटिक टीचर जानता होगा। तो देखिए यहाँ पे बेचा का मीनिंग दिया गया है कि इनफॉर्मल तरीके से हम जल्दी जल्दी जो बोल जाते हैं कि आई बेट यू, यानी मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, या मुझे पूरा विश्वास है। तो आई बेचा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फादर, यानी कि दोनों के फादर, या इस बुक में हो सकता है कि दोनों भाई बहन ना हो, कुछ बताया तो गया नहीं है। तो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी उस टीचर से कम नहीं जानते होंगे। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट इट, अच्छा मार्जी उस पर ज़्यादा बकवास करना नहीं चाहती थी, डिबेट करना नहीं चाहती थी। सी सेट, उसने कहा आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब उसने थोड़ा सा बात को बदला और थोड़ा चिढ़ाने के लिए उसे कहा मैं तो किसी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में घुसने भी ना दूँ अपने को पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी खूब हंसा, चिल्ला चिल्ला के हंसा। यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ आता तो है नहीं मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अरे वो टीचर्स घर में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती थी, ऑल द किड्स वेंट देयर, तो एक बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, यानी कि जो स्कूल हम अटेंड करते हैं ना उसकी बात हो रही है, स्कूल एक बिल्डिंग ही तो है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित रूप से इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हैं तो सेम चीज़ पढ़ाई जा सकती है। दरअसल यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन मार्क तो दिया नहीं गया, सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माँ तो कहती है एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए वो जो भी रोबोटिक टीचर वो जिक्र किया था हमने, उसे किस प्रकार से उसका लेवल चेंज कर देता है, 10th लेवल पे ले आता है ज्योग्राफी के लिए, तो उसी चीज़ को देखकर वो बोल रही है कि माँ तो कहती है कि एडजस्ट करना पड़ता है टीचर को टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, जिससे कि हर लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से वो काम कर सके। इट टीचेस एंड, मतलब जिनको वो पढ़ाता है टीचर, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। अब रोबोटिक टीचर में तो संभव है क्योंकि मशीन है, उसमें आप लेवल्स भर सकते हैं, उस लेवल में जो फीड होगा वही निकल के आएगा, लेकिन एक ह्यूमन माइंड तो इस तरह से काम नहीं कर सकता ना। एक ह्यूमन माइंड की जो नॉलेज है वो नॉलेज तो उससे छीन ही नहीं जा सकती कि उसके डिफरेंट पार्ट्स कर दिए जाएँ। हाँ एक टीचर उस नॉलेज में से निकाल कर बच्चों को उनके हिसाब से चीज़ें बताता रहता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, अरे हाँ यही काम तो उस समय वो लोग नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो मार्जी से कहता है इस प्रकार से, तो मार्जी जवाब देती आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे किताबें अच्छी नहीं लगती। मार्जी सेट क्विकली सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब उसे उन्हें फ़नी स्कूल्स के बारे में थोड़ा जानने की चाह हो रही थी कि क्या होता था उस समय स्कूल में जहाँ पे ह्यूमन टीचर होता था। दे वॉरेंट इवन हाफ फनिश्ड इन मार्जीज मदर कॉल्ड, तो दे मतलब ये दोनों के दोनों, टॉमी एंड मार्जी, कि मार्जी की माँ का बुलावा आ गया, तो इसका मतलब दोनों भाई बहन नहीं थे। मार्जी स्कूल टाइम हो गया, मार्जी लुकड अप, मार्जी ने देखा अपनी माँ को, नॉट येट मामा, अरे नहीं मामा अभी नहीं, नाउ सेड मिसिज जोन्स, मिसिज जोन ने कहा नहीं अभी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी शायद समय हो रहा है इस वक्त। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, अच्छा मैं स्कूल के बाद क्या तुम्हारे साथ इस किताब को थोड़ा बहुत और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली, हो सकता है। देखिए नॉन साइलेंटली मतलब ये हो गया कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट केयर कंसर्न, तो बस ऐसे ही लापरवाही के साथ हाँ हूँ कर देना, दैट इज़ कॉल्ड नॉन साइलेंटली, कि हाँ पढ़ लेना, हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विशलिंग, उसके बाद वो सीटी बजाता हुआ, दरअसल बच्चे हैं ना थोड़ा मस्ती में उछलते कूदते चलते हैं। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ, अच्छा पुरानी बुक थी तो उस पर धूल पड़ी हुई थी, डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपनी आर्म यानी कि अपने बाजू में दबा कर वो चला गया। देखिए टक का मतलब तो वैसे अब यूज़ क्या बताएं आपको, काफ़ी यूसेज होते हैं, किसी चीज़ को कहीं पर सेट कर देना, किसी तह के नीचे दबा देना, किसी में स्टफ़ करके रख देना, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को सोते हैं तकिए के नीचे आपने दबा के रख दिया, तो वो भी एक प्रकार से टग्ड ही कहलाएगा। तो इसी प्रकार से लेके गया उसे। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्जी अपने स्कूल रूम में गई।
अच्छा देखें क्या स्कूल रूम है, इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू अ बेडरूम। अच्छा उसके बेडरूम के बगल ही जो रूम था वही उसका स्कूल रूम था, क्या बात है, वो घर में ही रहती है पढ़ती है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मैकेनिकल टीचर वहाँ पर ऑन था मतलब शुरू था, जैसे स्विच ऑन करते हैं ना उस प्रकार से, एंड वेटिंग फॉर हर उसका इंतजार कर रहा था, जैसे ट्यूनअप किया गया हो कि हाँ कितने बजे उसे स्टार्ट करना है, या उसकी माँ ने हो सकता है स्टार्ट कर दिया। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, अरे वो अपने समय पर इस समय हमेशा ऑन हो जाता था, एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे, सैटरडे संडे को छोड़ के। तो जैसे घड़ी में अलार्म भरते हैं, हो सकता है सिस्टम में हो इस प्रकार की व्यवस्था कि अपने समय वो ऑन हो जाती है मशीन रोबोटिक टीचर की। ये देखिए इसका ये क्लास है एक प्रकार से, स्कूल रूम जिसे कहा गया, क्लास रूम नहीं कहा गया है, सिर्फ अकेली बैठी है, चारों तरफ मशीनरी पार्ट्स हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो जो टीचर था वो स्क्रीन पर नजर आ रहा था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो दरअसल सैटरडे संडे को छोड़कर वो अपने टाइम पर ऑन हो जाता था, क्यों, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियों के लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर आवर्स पर स्टडी किया करें जो उनका टाइम हो उस समय। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट अप कर गई मतलब कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर लाइट आती है। एंड इट सेड, और उसमें लिख के आया, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का अर्थमेटिक लेसन फ्रैक्शंस के एडिशन पर बेस्ड है, वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट इन स्टडीज़ होमवर्क, पहले जो कल का होमवर्क था उसे इंसर्ट करो स्लॉट में, प्रॉपर स्लॉट में। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने एक आह भरकर उसे इंसर्ट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो स्कूल रूम में थी और उसे वो स्कूल याद आ रहा था जो किताब में लिखा गया था ओल्ड स्कूल बुक में। दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर वॉज लिटिल बॉय, तो ये पीढ़ी मैं दोबारा नहीं बताऊँगा आपको, शुरू में बता चुका हूँ, लगभग पाँचवीं पीढ़ी की बात हो रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, तो अब वो खाली एक इमेजिनेशन पर चल रही है, और जो छोटे छोटे बच्चे होंगे आसपास के इलाकों के सब आते होंगे, लाफिंग हंसते होंगे, साउटिंग चिल्लाते होंगे इन द स्कूल यार्ड, तो चूंकि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में यार्ड होगा, सारे बच्चे इकट्ठा उस बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए, तो सब हंसते खेलते होंगे, कूदते होंगे, मस्ती करते होंगे, सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में, क्योंकि बेचारी यहाँ अकेली बैठी है ना। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हो जाता होगा तो साथ ही साथ निकलते होंगे, गोइंग होम टुगेदर, दे लर्न द सेम थिंग, और सेम चीज़ सबको सिखाई जाती थी, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, तो जिससे कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें विद द होमवर्क, होमवर्क करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान तो होमवर्क को लेकर रहती थी ना, एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात कर सकें। अब यहाँ पर इसे जो होमवर्क मिला, इसको सेल्फ मिला है, किसी दूसरे ने अपने रोबोटिक टीचर से दूसरा होमवर्क प्राप्त किया होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए वो उस समय फ्यूचर में है, लेकिन हमारी स्कूल की तरफ उसकी इमेजिनेशन कैसे वर्क कर रही है, अंदाजा लगा रही है कि स्कूल कैसा होगा, कैसे चलता होगा, बच्चे साथ बैठते होंगे, एक दूसरे को कंपनी देते होंगे होमवर्क करने में, और हमारी इमेजिनेशन जा रही है फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग होती, तभी तो क्रिएटिव होते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी लोग होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, तो उसका ध्यान वहाँ लगा हुआ है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अच्छा जो मैकेनिकल टीचर था वो बार बार फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर। वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं 1/2, 1/4, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्जी बस यही सोच रही है कि उस समय के स्कूल में जो बच्चे होंगे छोटे छोटे, क्योंकि ये भी एक किड ही है, मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उन्हें ओल्ड डेज में वो स्कूल कितना अच्छा लगता होगा ना। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और कितनी मस्ती करते होंगे, दरअसल जहाँ चार लोग साथ हो गए वहाँ पर मस्ती होनी ही होनी है, तो खेल कूद, तो अभी बेचारी अकेली बैठती है, अब जब इतने सारे बच्चे क्लास में बैठेंगे तो क्या सीन होगा, तो अपने हिसाब से सोच रही है और वो महसूस कर रही है, फील कर रही है, कमी महसूस कर रही है कि कितनी मस्ती वो करते होंगे जो वो नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जाके इस स्टोरी का टाइटल फिट बैठता है, द फन दे हैड, तो इस स्टोरी में ये जो दे शब्द है वो आया है ओल्ड स्कूल, यानी हम लोगों के समय के स्कूल के बच्चों की तरफ, क्लास में जो बैठते थे उनकी तरफ इशारा करता है दे। तो इस हिसाब से स्टोरी ख़त्म होती है, इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसके लिए अलग वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी पसंद आई होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।